ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिप्रोडक्शन के मेथड्स की, अब हम बात करेंगे किसकी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की हम बात करेंगे। तो ह्यूमंस के अंदर बेसिकली दो तरीके का सिस्टम होता है, कितने तरीके का सिस्टम है, दो तरीके का सिस्टम है। तो हम जब भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉड अपन क्या करेंगे, इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं इसको अपन सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसकी बात करेंगे पहले, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको सिंपल सी दो बातें याद रखनी है, पहला प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, और तीसरी बात क्या, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। मतलब बात ऐसी है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये वो सिस्टम है, दोज ऑर्गन और ग्लैंड्स विच इज टूगेदर परफॉर्म रिप्रोडक्शन इज नॉन एज टू बी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है बात, देखो क्या क्या हो रहा है। पहली चीज अपन क्या याद रखेंगे इसमें, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, क्या रखेंगे, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। दूसरी चीज क्या रखेंगे, सेकेंडरी वही सेक्सुअल ऑर्गन्स। तीसरी चीज क्या रखेंगे हम इसमें, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, क्या रखेंगे, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ये तीन बातें याद रहेगी तो पूरे पांच नंबर का सिस्टम याद रह गया। कैसे, मेन मेन बातें याद रखनी आपको, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, वे ऑर्गन जो प्राइमरीली या सबसे पहले इनिशियल लेवल पर रिप्रोडक्शन के लिए वर्क करते हैं, यानी कि ये शुरू करवाने के लिए बेसिक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑर्गन है आपके पास में टेस्टिस, क्या है, यहीं पर इसको डिफाइन कर दो आप, क्या डिफाइन करना है, पहली चीज तो ये कि ये क्या करवाता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, ये स्पर्म फॉर्मेशन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क तो इसका ये हो गया, स्पर्म फॉर्मेशन, क्लियर है। दूसरी चीज हार्मोन्स बनाता है, ये क्या बनाता है, हार्मोन्स बनाता है या उनका सीक्रेशन करता है। तो दूसरी चीज हार्मोन्स, वो भी कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, कौन सा हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, कैसे, ये ही वो हार्मोन है जो मेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी को या प्यूबर्टी एज को इंडिकेट करवाता है, यानी कि जो जवानी जो चढ़ती है ना बच्चे में, जो भी उसकी जो क्रियाकलाप बन रहा है बाल्यकाल अवस्था से, वो कौन सी अवस्था में जा रहा है, किशोर अवस्था में जो जाता है, वो किसकी वजह से जाता है, टेस्टोस्टेरोन। तो उस एज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस, क्या बोलते हैं उसको, हम एडोलेसेंस, वयस्क अवस्था, क्या बोलते हैं उसको, वयस्क अवस्था। क्लियर है ये बात, पहला काम स्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा हार्मोन बनाता है, हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन, एडोलेसेंस मतलब दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज भारी होना, स्पर्म का बनना, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होना, ये सारे काम किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है, आ जाओ चलो सेकेंड ऑर्गन की बात करते हैं, सेकेंडरी में आ जाओ, प्राइमरी में सिर्फ एक ऑर्गन याद रखना है तुम्हें, टेस्टिस, और दूसरा रखना चाहो तो रख सकते हो, उसका नाम है स्कॉट्रम, क्या है, स्कॉट्रम, कुछ ही नहीं याद रखना इसमें, इतना सा याद रखना है कि टेस्टिस का कवर होता है, ये क्या करता है, ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, पहला काम। दूसरा काम है इसका क्या, इधर इधर, दूसरा काम क्या है इसका, टेम्परेचर रेगुलेशन, क्या करता है ये, टेम्परेचर रेगुलेशन, दैट्स इट, बस इतना सा याद रखना है, हो जाएगा। आगे देखिए सेकेंडरी की हम बात करते हैं, टेस्टिस हो गया, स्कॉट्रम हो गया, अब क्या आना चाहिए, हाँ, वास डेफरेंस, पहला ऑर्गन क्या है इसमें आपके पास में, वास डेफरेंस, ठीक है। दूसरा ऑर्गन सेमिनल वेसिकल, क्या है, सेमिनल वेसिकल। थर्ड ऑर्गन पेनिस, क्या है, पेनिस। और फोर्थ ऑर्गन यूरेथ्रा, क्या है, यूरेथ्रा। वास डेफरेंस क्या है जी,
इसको हम हिंदी में कहते हैं शुक्रग्राहिका। क्या कहते हैं? शुक्रग्राहिका। ये जो स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस में हुआ है, ये टेस्टिस से लेकर जाने का काम कौन करता है? बॉस डेफरेंस करता है। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कंडक्ट करता है या ज्वाइंट करता है किसको? सेमिनल वेसिकल को। किसको ज्वाइंट करता है? सेमिनल वेसिकल को ज्वाइंट करता है। ये तीनों चारों ऑर्गन एक साथ दिमाग में रखने आते हैं। वॉस डेफरेंस क्या करता है? स्पर्म को यहाँ से कलेक्ट करता है, सेमिनल वेसिकल के साथ में बाइंड करेगा या कोलेट्रल करेगा, उसके साथ में ज्वाइन करेगा और कहां लेके जाएगा उसको? पेनिस। पेनिस को हम एज ए कुलेट्री डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज ए कुलेट्री डक्ट। बेसिकली पेनिस के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसमें इतना सा याद रखना है कि सिलेंड्रिकल होलो मस्क्यूलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? सिलेंड्रिकल मस्क्यूलर होलो ऑर्गन है जिसमें ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पर? ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, जो जब सेंसेशन जब क्रिएटिविटी जब हो रही होती है तो उस समय पर यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है या वहां का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ की जो सेल्स है वो सेल्स क्या हो जाती है, उनमें ब्लड का सीक्रेशन आ जाता है और फ्लो जो फ्लो चल रहा होता है वहां का वो पहले से चार गुना ज्यादा हो जाता है। इस वजह से पेनिस का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। इसी वजह से जो मैटिंग प्रोसेस या फिर जिसको हम जनन प्रक्रिया कहते हैं वो क्रिया इस हार्डनेस स्ट्रक्चर की वजह से होती है। और पेनिस का जो एंड पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं उसको? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या कहलाता है? एक तरीके से एजुगुलेटरी डक्ट है जहां से क्या छोड़ा जाता है? सीमन छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? सीमन छोड़ा जाता है। और इस सीमन में क्या होता है? स्पर्म होते हैं। क्या होते हैं इसमें? स्पर्म होते हैं। बोले सर बना स्पर्म था छोड़ सीमन रहे, ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पर ग्लैंड भी है ना, भी एक ही तो ग्लैंड है इसमें। कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करती है? ये ग्लैंड व्हाइट कलर का एल्केलाइन फ्लूड कंटेन करती है। क्या बनाती है ये? व्हाइट कलर का। कौन से कलर का? व्हाइट और एल्केलाइन फ्लूड का सिक्रेशन करती है। तो वो ऐड होता है किसमें? स्पर्म में। किसमें ऐड होता है? वो स्पर्म में। और वो इसका जो बेसिक पीएच होता है उस पीएच को क्या कर देता है? वो बेस एल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है और इसको प्रोटेक्ट करने का और यहां तक लेके आने के लिए ये मीडियम इसको कंपल्सरी होता है या नेसेसरी होता है इस प्रोसेस। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? वापस से देखो एक बार फटाफट, क्या पढ़ रहे हैं अपन? मेल रिप्रोडक्टिव। कितने पोर्शन में बांटा है अपन ने इसको? तीन पोर्शन में। पहला प्राइमरी सेक्स कलर, दूसरा तीसरा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। प्राइमरी में फर्स्ट ऑर्गन टेस्टिस, सेकंड स्क्रोटम, टेस्टिस का मेन फंक्शन स्पर्म फॉर्मेशन, हॉर्मोन कौन सा इसका? एस्ट्रोजन। क्या करता है ये? एडोलेसेंस। ठीक है सिंपल। सेकेंडरी ऑर्गन की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्गन वाइट ग्लैंड, सेकेंड सेमिनल वेसिकल, थर्ड पेनिस एंड फोर्थ यूरेथ्रा। ये दोनों कंबाइंडली किस फॉर्म में वर्क करते हैं? एस्ट्रोजन। ग्लैंड की बात करूं तो कितनी है? एक ग्लैंड है जो क्या सीक्रेशन करती है? किसका? वाइट ग्लैंड फ्लूइड बनाती है। क्लियर है क्या बात? यस सर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म? यस सर। ओके।